वेलकम गाइस, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब लोग ने हमारे लास्ट वीडियो में देखा रहेगा कि मैं मम्मी जी को लेके लोनावाला जा रहा हूँ छोड़ने के लिए। हाय बंदर, हेलो गाइस, वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि वी आर ऑन द वे टू लोनावाला, मिड ऑफ द वे पे हम लोग एक्सप्रेस हाईवे पे। और शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। हम जा रहे हैं लोनावाला मम्मी जी को छोड़ने। मम्मी जी जा रही अपनी फ्रेंड को मिलने और दो तीन रिफ्रेश होने, और मैं जाऊँगा आगे मेरे काम। तो चलो दिखाते हैं आप लोग को सुंदर नज़ारे रोड के और करते हैं थोड़ी गपशप। और हम ड्राइव कर रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। मुंबई पुणे हाईवे करीबन 80 से 90 किलोमीटर लंबा है, जिसमें मिड ऑफ द वे पे पड़ता है सुंदर सा पर्यटन स्थल जिसका नाम है लोनावाला। मुंबई पुणे के ड्राइविंग डिस्टेंस पर होने की वजह से यह हिल स्टेशन काफ़ी प्रचलित है और वीकेंड, वैकेशन और मानसून में हमेशा भरा रहता है। और इतना ही नहीं, पीक सीज़न में कभी कभी तो लोनावाला के होटल में रूम बुकिंग मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो आशा है कि इतना ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा वहाँ। और ये जो मेरे लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं, ये है एमिटी यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस है हायर स्टडीज के लिए। और ये आ गया टनल। ये कोरोना वायरस टनल में बसे अंधेरे जैसा है। और सामने जो सूरज की किरणों का कुछ अंश दिख रहा है, वह है आशा की किरण। अंधेरे में से जब हम सूरज की किरणों की तरफ बढ़ते हैं तो कितना पॉजिटिव फील हो रहा है। ये आ गए हम अंधेरे से बाहर। भगवान करे जल्दी ही ऐसे ही कोरोना की मुश्किल घड़ी से यह दुनिया बाहर निकल जाए। और हाईवे पर पहाड़, पेड़ पौधों के साथ साथ यह देखिए बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें कितनी खूबसूरत लग रही है। और मेरे राइट साइड आप देख रहे हैं पीएम मोदी के नाम का मूवी का पोस्टर, और इसमें बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद थिएटर में रिलीज होने वाली यह होगी फर्स्ट मूवी। वाह, क्या बात है। ऐसे ही कुदरती दृश्यों का आनंद उठाते उठाते मैं और मम्मी जी गपशप लड़ाते निकल पड़े आगे के सफर में। और ये जो आपको सामने दिख रहा है वह है खालापुर टोल नाका। सचमुच अब तो पेट में इतने चूहे दौड़ने लगे हैं, तो अब हम हॉल्ट लेंगे फूड मॉल में। और जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है वह है फूड मॉल। यहाँ एक्चुअली 2-3 फूड मॉल है, पर हम जा रहे हैं नए वाले फूड मॉल में जिसका नाम है फूड वे।
ये जो फूड मॉल है ये 2019 में ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, और ये जो 3-4 फूड मॉल यहाँ है, सबसे बड़ा फूड मॉल ये माना जाता है। नो मास्क नो एंट्री, वाह क्या बात है। और आ गए हम लोनावाला हाईवे के फूड मॉल पे। मैं और मम्मी जी अभी देखते हैं क्या यहाँ मिलता है गरम गरम। तो मम्मी जी आप रेडी हो? आपका क्या खाने की इच्छा? अभी भी मेदू वड़ा कि कुछ चेंज किया प्लान? जोर से जरा, मेदू वड़ा ही खाने वाली हूँ, और कुछ हो चाहिए तो बोलूँगी। चलो मम्मी खाएगी मेदू वड़ा और शायद चाय पिएगी, और मैं देखता हूँ क्या ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकता हूँ और आपको दिखाऊँ। तो अब हमने एंट्री मार दी है फूड मॉल में। मम्मी के लिए देखना है कहाँ मिलने वाला है साउथ एंड मोर। अगर आपको दिखता रहेगा पीछे मेरे साउथ एंड सब्वे के पीछे है साउथ एंड मोर, तो वहाँ मिलेगा मम्मी के लिए मेदू वड़ा। और मेरे लिए है बहुत सारे ऑप्शन, KFC है, सब्वे है एंड मैनी मोर। लेट मी एक्सप्लोर दी ऑप्शन और फिर आपको बताते कि हमने क्या खाया। ओके, इंद्राणी अमृतुल्य, ये मगनलाल जी की बंद है। यहाँ कोई बेकरी आने वाली है और मुझे लगता है कोरोना के बाद ये बेकरी आएगी। यहाँ भी कुछ रिनोवेशन चालू है। यहाँ है चाय पॉइंट, पहले था, अभी कोई बिस्लेरी है। और ये है चितड़े एक्सप्रेस, चितड़े बंधु बहुत ही फेमस है पूना का, और बिस्लेरी बिरयानी। और ये है स्टारबक्स, और ये है पिज़्ज़ा हट, बट पिज़्ज़ा हट अभी बंद है तो पिज़्ज़ा हमको नहीं मिल सकते। बट देन वी हैव KFC में बहुत सारे ऑप्शन है, KFC चालू भी है। सबवे में भी बहुत सारे ऑप्शन हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है साउथ एंड मोर, जहाँ मम्मी का मेदू वड़ा, इडली, चटनी, सांभर सब मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं हाजी जूस बार, जो हाजी अली में बहुत ही फेमस था और उसने यहाँ अपनी ब्रांच खोली है, काफ़ी फेमस है हाजी जूस बार। और ये है कैलाश पर वन ऑफ दी बेस्ट ब्रांड ऑफ दी मुंबई, जहाँ आप देख पाएंगे बड़े बड़े भटूरे, छोले, वड़ा पाव सब फेमस है। और देखते हैं यहाँ से भी मैं ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये वापस बंद है। और है मैक कैफ़े में यू कैन हैव सम कॉफीज। मैकडोनाल्ड में आपको मिल सकती है बर्गर। और यह है छोटा बाइट में आपको बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे टी एंड बन मस्का, नॉनवेज थाली, नॉनवेज रोल, ऑमलेट, वेज चिकन बिरयानी, पराठा, ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये है श्री कृष्णा वड़ा पाव, द फेमस वड़ा पाव ऑफ दिस मॉल। यू कैन हैव सो मेनी ऑप्शन हियर विद द कचौरी गर्मा गर्म, काफ़ी सेफ है, सैनिटाइजर वगैरह भी रखते हैं। जब भी यहाँ जाते हैं लोनावाला तो ये मगनलाल चिक्की से बहुत सारे ऑप्शन हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ खरीद सकते हैं। दिस इज़ फॉर कॉफ़ी लवर नेस कैफे एंड द स्मॉल टी पॉइंट। और ये है बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम्स। और ये है, लेकिन थोड़े ऑप्शन बंद है यहाँ, मुझे लगता है थोड़ा बंद है तो हम लोग अभी। हमारा मेदू वड़ा रेडी फ्रॉम साउथ एंड मोर। वेज बिरयानी और मम्मी ने लिया है मेदू वड़ा। कैसा है टेस्ट में? और मम्मी कर रही है और मेरा तो नाश्ता हो गया, मम्मी जी का चालू है। तब तक मुझे टाइम मिला तो ऑफ द कैमरा मैंने एक दो फ्रेंचाइजी ओनर से बातचीत किया कि ये कोरोना के काल में आपका बिज़नेस को कुछ इफेक्ट हुआ है, नहीं हुआ है, कैसा था। उनका भी कहना वही था, मॉल भी 3 या 3.5 महीना बंद थे बिकॉज गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन डाला था, लेकिन अभी ये सब मॉल चालू हो गए हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो जैसा बिफोर कोरोना जो बिज़नेस था वैसा बिज़नेस मिल नहीं रहा है। एक फ्रेंचाइजी ओनर ने कहा कि उसका बिफ़ोर कोरोना 1 दिन का 1.5 से 2.5 लाख रुपए का टर्नओवर होता था यही मॉल में, और आज के दिन उसका टर्नओवर हो रहा है 25,000। नॉट बैड, ख़राब नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन 25,000 के हिसाब से यहाँ का जो रेंट है, यहाँ की जो लोगों की सैलरी और बाकी जो टैक्सेस वगैरह उनको परवड़ रहे नहीं परवड़ रहे, ये बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि अगर ऐसे ही बिज़नेस चलता रहा तो 3 या 4 महीने में उनको ये बिज़नेस बंद करने की नौबत आ जाएगी। और एक फ्रेंचाइजी ओनर से बात किया जिसने अभी रिसेंटली आफ्टर कोरोना अपना ब्रांच ओपन किया है यहाँ, छोटा है, और उसका कहना ऐसा है कि
अभी जो रेंट वो पे कर रहा है और जो हिसाब से उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ही इज़ हैप्पी विद दैट। जो कि अभी कुछ मंथ के एंड में बच नहीं रहा है, लेकिन उनको ऐसी आशा है कि महीने दो महीने के बाद ये कोरोना का कहर थोड़ा कम हो जाएगा और बिजनेस थोड़ा बढ़ जाएगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर उनको घर पे मिलेगा। बल्कि अगर यहाँ अगर आप पब्लिक देखेंगे तो 100% इतना जैसा पब्लिक नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक है, और जो पब्लिक है वो डर नहीं रही है। पब्लिक को कोरोना का कोई डर नहीं है, या तो फिर वो बोर हो गए और कोरोना के नाम से कंटाल के अभी बाहर निकले हैं, खा रहे पी रहे। इवन जूस सेंटर में भी जो ठंडे ठंडे जूस भी लोग पी रहे हैं, कोई इतना डर नहीं है। पेट पूजा करके मैं और मम्मी जी निकल पड़े हैं हमारे आगे के पड़ाव की ओर, जो कि है लोनावला। और यहां से शुरुआत होती है घाट की। थैंक्स टू एक्सप्रेस हाईवे, क्योंकि अगर ये एक्सप्रेस हाईवे नहीं होता था तो पहले के ज़माने में यह घाट क्रॉस करने के टाइम बहुत ट्रैफिक हो जाता था। कभी कभी तो पूरी पूरी रात बीत जाती थी घाट क्रॉस करने के लिए। सरप्राइज, और ये देखिए हमें कौन मिला हाईवे पे। ये मिल गए हमको हाईवे पे बंदर मामा, और बंदर मामा राह देख रहे हैं कि मम्मी जी की तरफ से उनको कुछ खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये है बंदरों का डॉन, और ये है बंदर का बच्चा। बंदरों का डॉन मुझे लगता नहीं किसी को खाने दे। अरे वाओ, देखा आपने कैसे सलाम किया बंदर ने। मुझे पता नहीं था कि जंगल के बंदरों में भी इतनी मेहनत होती है। मैंने भाई किया तो कैसे झट से एक्नॉलेज करके सलाम किया। वाह, दिल खुश हो गया। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो यह वीडियो करते हैं यहाँ ही समाप्त, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, और करते हैं लोनावाला की जर्नी कंटिन्यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।